Bismillahir Rahmanir Rahim and Assalamu Alaikum. Welcome to Robotics. Today I am going to deliver lecture number 76 and today our topic is Toolbox. Dear students, आज हम Microsoft Paint की Toolbox के बारे में पढ़ेंगे. Toolbox is a part of Microsoft Paint window. Toolbox जो है Microsoft Paint window का एक part है. आज हम इस part के बारे में detail से पढ़ेंगे. There are many tools in the toolbox. Students, as you know, toolbox में हमारे पास different tools होते हैं. प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट टूल्स होते हैं टूल बॉक्स में. लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम. आज के इस लेक्चर में हम उन टूल्स के बारे में से कुछ टूल्स को उसमें से हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन टूल इज पेंसिल टूल. पेंसिल टूल ये जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है MS Paint की टूल बॉक्स में या Microsoft Paint की टूल बॉक्स में पेंसिल टूल इस शक्ल का होता है. ये जो पिक्चर में आपको दिया गया है मतलब पेंसिल शेप उसके लिए यूज़ किया जाता है. उस पेंसिल आइकन को जैसे ही आप देख ले उस पिक्चर को तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाता है उसके पेंसिल शेप से कि ये पेंसिल टूल है. दिस इज़ अ पेंसिल टूल. वी कैन ड्रॉ शेप्स एंड लाइन्स विद इट. अब पेंसिल टूल का पर्पज़ क्या है, इसका मकसद क्या है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ये किस लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू ड्रा शेप्स एंड लाइन्स. इसकी मदद से हम ड्राइंग एरिया में से लाइन्स ड्रा करते हैं और शेप्स ड्रा करते हैं जो रिक्वायर्ड मतलब जिन शेप्स की हमें ज़रूरत होती है या जिस किस्म की लाइन्स की हमें ज़रूरत होती है. तो पेंसिल टूल की मदद से हम ड्राइंग एरिया में लाइंस ड्रा कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स ड्रा कर सकते हैं. वी यूज़ इट टू मेक अ ड्राइंग विद थिन लाइंस. पेंसिल टूल की मदद से हम थिन लाइंस बारीक जो लाइंस होती हैं जो लकीरी होती हैं वो हम इसकी मदद से ड्रा कर सकते हैं. थिन लाइंस ड्राइंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. जिस तरह से इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है टूल बॉक्स में से पेंसिल टूल को इनसर्कल किया है. आप देखिए इनसर्कल किया हुआ है इसको और ड्राइंग एरिया में इस पेंसिल टूल की मदद से डिफरेंट लाइंस ड्रॉ हुए हैं. आप देखिए डिफरेंट कलर्स के लाइंस जो हैं वो पेंसिल टूल की मदद से ड्रा हुए हैं. नेक्स्ट टूल इज़ इरेजर टूल. MS Paint के टूल बॉक्स में से एक दूसरा टूल है इरेजर टूल. जिस तरह से नेम से जाहिर है ठीक है. और इसके लिए पिक्चर जो है टूल बॉक्स में इस शेप का इसका जो पिक्चर होता है जो आइकन होता है इस आइकन को देख के ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि ये इरेजर टूल है. अब इरेजर टूल का फंक्शन क्या है. दिस इज़ एन इरेजर टूल. वी यूज़ इट टू इरेज आर रिमूव व्हाट वी हैव मेड. इरेजर टूल की मदद से हम इरेजिंग करते हैं मतलब जो ड्राइंग हमने ड्रॉ की है लाइंस वगैरह ड्रॉ की है या शेप्स वगैरह हमने ड्रॉ की है और अब हम उसको रिमूव करना चाहते हैं उसको इरेज करना चाहते हैं तो हम यही इरेजर टूल यूज़ करेंगे. जिस तरह से आप एक पेपर पे या पेज पे आप पेंसिल से मतलब राइटिंग वगैरह करते हैं या ड्राइंग करते हैं और उसको फिर आप इरेजर की मदद से इरेज करते हैं तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम में भी इरेजिंग के लिए इरेजर टूल यूज़ होता है. वी कैन चेंज द साइज़ ऑफ द इरेजर. और स्टूडेंट्स एक बात ये भी है कि आप इस इरेजर का साइज़ चेंज कर सकते हैं उसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं.
अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी पसंद के मुताबिक आप इस इरेज़र का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसको बड़ा भी कर सकते हैं और उसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इस पिक्चर में वो जो लाइंस ड्रॉ की थी हमने, उसमें आप देखिए अभी आपको गैप सा नज़र आ रहा है, तो ये इस इरेज़र टूल की मदद से उसको इरेज़ किया गया है।